उपचुनाव से पहले राज्य में नहीं थम रहा कलह। एक तरफ तैयारी को लेकर हुई बैठक, दूसरी तरफ तेज ने ट्वीट कर लगाया सावरकर को लेकर फिर शुरू हुई सियासत। राजद ने बीजेपी पर बोला हमला, सावरकर पर की अभद्र टिप्पणी। रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर चाचा भतीजे का दिखा शक्ति प्रदर्शन, दिल्ली से लेकर पटना तक दिखा सियासी उथल पुथल। छिटपुट घटनाओं के बीच शांतिपूर्ण संपन्न हुई तीसरे चरण के मतदान, तीसरे चरण में लगभग 58% हुई वोटिंग। भारतीय संविधान में सरना धर्म कोड को मान्यता देने की मांग, आदिवासी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात राजनीति जगत की। बिहार में उपचुनाव को लेकर सियासत गर्म हो गई है, राजद खेमे में तैयारी जोर शोर से चल रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पर राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों की बैठक हुई, जिसमें उपचुनाव की रणनीतियों पर चर्चा हुई। इस बैठक में पार्टी के हसनपुर विधायक और तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव नहीं पहुंचे। बैठक के बाद सभी विधायकों को उपचुनाव के लिए टास्क दिया गया, जिसकी जानकारी देते हुए राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा कि कांग्रेस के अलग होने पर राजद को कोई परेशानी नहीं है। वहीं जहां एक तरफ बिहार में होने वाले उपचुनाव को लेकर राजद तैयारी में है, तो दूसरी तरफ चुनाव से पहले ही तेज प्रताप यादव ने बगावती तेवर अख्तियार कर लिए हैं। दरअसल राजद के द्वारा उपचुनाव के लिए जारी स्टार प्रचारकों के लिस्ट में तेज प्रताप यादव का नाम पहले ही नहीं था। इतना ही नहीं, तेज प्रताप यादव के साथ ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती के भी नाम शामिल नहीं है। वहीं मां और बहन के लिस्ट में नाम नहीं होने से नाराज तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर हमला बोला है। तेज प्रताप यादव ने लिखा है, ए अंधेरे देख ले तेरा मुंह काला, मां ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। मेरा नाम रहता तो रहता, मां और दीदी का नाम रहना चाहिए था। इस गलती के लिए बिहार की महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करके एक बार फिर से बड़ा हमला बोला है। दरअसल जिस लिस्ट की बात की जा रही थी, बिहार में होने वाले 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर के लालू प्रसाद यादव का नाम है। इसके साथ साथ तेज प्रताप यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी, जयप्रकाश नारायण यादव, उदय नारायण सिंह, श्याम रजक, इसके अलावा भोला पासवान, भूषण पटेल जैसे कई बड़े दिग्गज नेता है। कुल 20 लोगों के नाम इस लिस्ट में शामिल है और इस लिस्ट को भी तेज प्रताप यादव ने साझा किया है और उसमें साफ तौर पर यह बातें कही। हालांकि उन्होंने इसके साथ साथ 2 रोती हुई इमोजी भी डाली है, जिसमें उन्होंने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है। और इस दौरान उन्होंने जो बातें लिखी है, बखूबी उन्होंने लिखा है कि मेरा नाम रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी मां और उनकी बहन का नाम होना चाहिए था। इधर बिहार में राजद और कांग्रेस के बीच दोस्ती में दरार के बाद भी रिश्ते की परिभाषा कुछ और दिख रही है। दरअसल उपचुनाव में राजद ने कांग्रेस के लिए सीट नहीं छोड़ी, तो दोनों पार्टियों में भारी दुश्मनी का माहौल क्रिएट हो गया। हालांकि शुक्रवार को दिल्ली में जब एक कार्यक्रम के दौरान राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात हुई, तो एक तस्वीर ने फिर से सियासी गलियारों में हलचल मचा दिया। दरअसल राहुल गांधी ने अपने ट्विटर पर एक तस्वीर साझा की है, जिसमें गर्मजोशी के साथ लालू प्रसाद यादव से मिलाई गई हाथ को देख करके अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सच में बिहार में महागठबंधन में अब भी दरार है, या फिर जिस तरीके की ये तस्वीरें आई है उस तस्वीरों के बाद समीकरण कुछ और दिख रहा है। क्या उपचुनाव में होने वाले दोनों ही सीटों पर फ्रेंडली फाइट के मूड में है, क्या इसके पीछे राजनीति क्या है, ये सब कुछ अब सवालों के घेरे में है। इधर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बिहार से काफी लंबे वक्त से दूर है, जिसको लेकर यह कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर लालू प्रसाद यादव बिहार लौटे तो बिहार में राजनीतिक समीकरण बदल जाएंगे। वहीं अब लगभग 3 साल के बाद लालू प्रसाद यादव के बिहार आने के रास्ते साफ हो गए। दरअसल लालू प्रसाद यादव 20 अक्टूबर को पटना आ रहे हैं।
जिसकी यात्रा को लेकर कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद 20 तारीख को आने के साथ ही बिहार में हो रहे उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार भी करेंगे, जिसकी जानकारी राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने दी है। विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर को लेकर विभिन्न राजनीतिक दल अपनी अलग अलग राय रखते दिखते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब एक बार फिर से सावरकर के नाम पर सियासत शुरू हो गई है। वीर सावरकर के बहाने बीजेपी पर राजद ने हमला बोला है, यह रिपोर्ट देखिए। इतिहास के पन्नों में युद्ध भी है, बुद्ध भी है, राग भी है, द्वेष भी है, इसलिए इतिहास में हुई गलतियों से सीख लेते हुए हर देश को एक सुंदर और सुरक्षित भविष्य के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। लेकिन जब इतिहास लेखन आक्रांता के प्रशस्ति गान से प्रेरित हो तो उस देश की आने वाली नस्लें क्या सीख लेंगी। यही वजह है कि आज की तारीख में बीजेपी देश में इतिहास के पुनर्लेखन पर जोर दे रही है। आज वीर सावरकर जी की जन्म जयंती है। मैं देश की युवा पीढ़ी को जरूर कहूंगा कि हमें जो आजादी मिली है इसको कैसी यातना। जो पार्टी राजनीतिक सत्ता प्राप्ति कर अकूत संपत्ति अर्जित करने को सुराज मानती हो, जिस पार्टी का नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने को सुराज कहता हो, उस पार्टी और उसके नेताओं से भारतीय इतिहास पर प्रवचन नहीं चाहिए। भारतीय इतिहास जो नेहरूवादी अंग्रेज परस्त इतिहास है, इसने इतिहास के पन्नों से दलित, पिछड़े, किसान और उन महानायकों को मिटा दिया है जिन्होंने भारतीय इतिहास के लिए खून पसीने और जान तक निछावर की। वीर सावरकर ऐसे भी महान स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया, और वीर सावरकर की गाथा भारतीय इतिहास के मोस्ट पेनफुल डिस्क्रिप्शंस में से एक है। वर्तमान में हमारे स्कूलों में जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है वो लोगों की चेतना, जिसे हम सामूहिक सामाजिक चेतना कहते हैं, उससे कहीं भी मेल नहीं खाता है। भारत का अधिकांश इतिहास औपनिवेशिक काल में लिखा गया जो कि पूर्वाग्रहों से ग्रसित था। बाद में कुछ इतिहासकारों ने सल्तनत काल, मुगल काल और अंग्रेजी हुकूमत का गजब का महिमा मंडन किया और देश के लिए जान देने वाले भारत माँ के सपूतों को उनके आगे बौना कर दिया। हालांकि आज की तारीख में इतिहास के पुनर्लेखन को राजद सिरे से खारिज करती है। वो लोग बस यही सब में उलझा के रखते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम में तो कभी इतिहास और भूगोल में उलझा कर करके, और विकास की बात नहीं करते हैं। वो लोग मन की बात जो कर रहे हैं वो काम की बात करें, लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा उसकी बात होनी चाहिए, यहाँ विकास कैसे हो उसकी बात होनी चाहिए, इतिहास और भूगोल से काम नहीं चलेगा। कह रहे हैं कि अंग्रेजों के और मुसलमानों का ज्यादा जिक्र है, बाकी किसी का जिक्र नहीं है। फालतू का बात करते हैं, उन लोग काम की बात कभी नहीं करते। ऐसे में इतिहास की सही विवेचना के बारे में हमें सतर्कता बरतनी चाहिए। देश के इतिहास में घटित घटनाओं अथवा कालखंडों की प्रस्तुति वर्तमान में कैसे की जाए, इस यक्ष प्रश्न को वर्तमान में भी तार्किक बनाए जाने की जरूरत है, क्योंकि जिस देश ने अपने इतिहास को भुला दिया उसका भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता। डीटीवी भारत के लिए उत्कर्ष कुमार की रिपोर्ट। इधर लोजपा के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान के शुक्रवार को पहली पुण्यतिथि मनाई गई, जिसको लेकर दिल्ली से लेकर राजधानी पटना तक सियासी गलियारों में चहलकदमी थी। तो लोजपा संस्थापक के बेटे चिराग पासवान और भाई पशुपति कुमार पारस के द्वारा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो तैयारी की गई थी वो पूर्ण रूप से शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। दिल्ली के 12 जनपद स्थित आवास पर चिराग पासवान के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में, माफ कीजिएगा, चिराग पासवान के द्वारा तैयार बनाई गई और जो तैयारी की गई थी अपने पिता के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम, उसमें बीजेपी, कांग्रेस, राजद के कई बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया, जहां राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की अगुवानी करते हुए चिराग पासवान दिखे। वहीं लालू प्रसाद यादव ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान रामविलास पासवान के लिए सम्मान की मांग कर दी है। इधर राजधानी पटना में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही कई मंत्रियों ने और बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया, और साथ ही साथ वही कार्यक्रम में शामिल हुए तेज प्रताप यादव ने भारत रत्न देने की भी मांग कर दी। तो
तरह से कोई उम्र नहीं थी उनके जाने की, लेकिन कुछ तबीयत उनकी ऐसी हो गई कि जिस वक्त चले गए तो सब काफी तकलीफ हुई है, लेकिन अब उन्होंने जो काम किया है और जिस प्रकार से लोगों के साथ उनका संपर्क था उसको पूरा भरोसा है कि अब आप सब लोग उस चीज़ को कायम रखेंगे किसी के लिए, और उनके प्रति हमारी श्रद्धा है वो तो हम सब दिन रखेंगे, उनके प्रति जो आदर का भाव वो सब दिन रखेंगे, और उनकी स्मृति को लोगों के बीच तक पहुंचाने के लिए जो कुछ भी जरूरी काम है वो सब भी किया जाएगा। सर पारा जी ने आपको इधर लोजपा के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान की पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी, तो वहीं मीडिया से बात करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि रामविलास पासवान हमेशा से एक बड़े शालीन और सरल व्यक्ति थे। उनके साथ मेरा ज्यादा दिनों का राजनीतिक संबंध नहीं रहा, लेकिन जब तक उनके साथ यह संबंध रहा वह स्मरणीय रहा। राजनीतिक संबंध नहीं था, लेकिन जो भी संबंध रहा एनडीए में आने के बाद, तो मुझे लगा जहां रहे उसके साथ उसके हो करके रामविलास पासवान को आज प्रथम पुण्यतिथि पर हम याद करते हैं और कहते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, बने रहिए डीटीवी के साथ। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को आईआईटीएम के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए एलीट इंस्टीट्यूट। दादी इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगा नेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट पापा। बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों ना समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो प्यू, गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, बढ़ेंगे आगे और अब बात बेतिया की करेंगे। बेतिया के मनुआ पुल में प्रॉपर्टी डीलिंग के मामले को लेकर गोलीबारी में 5 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए, जिसके बाद सभी घायलों को चिकित्सा के लिए जीएमसीएच लाया गया। जानकारी के मुताबिक सभी घायल किसी प्रॉपर्टी डीलर के तरफ से जमीन पर कब्जा करने गए थे, जिसके बाद उन पर गोलीबारी कर दी गई। फिलहाल पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई थी, जहां पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
इधर बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है, जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। इस दौरान राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने बताया कि कुछ जगहों पर शिकायतें सुनने को मिली है। इस दौरान उजियारपुर के वार्ड नंबर 8 और मुजफ्फरपुर के मुरौल में वार्ड नंबर 4 में दोबारा मतदान कराया जाएगा। वहीं कई जगहों पर हुई छिटपुट घटनाओं के दौरान दोपहर 3 बजे तक 200 लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी मिली थी। वहीं चुनाव की सफलता को लेकर चुनाव आयुक्त ने कहा कि हर बार की तरह इस बार भी महिला वोटरों ने अधिक संख्या में मतदान किया। साथ ही बायोमेट्रिक की व्यवस्था को सफल बताते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना के गाइडलाइन के नियमों पर पूर्ण तरीके से विचार किया जाएगा और स्थितियों पर नजर रखी जाएगी। इधर बिहार में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया है। इस बीच मतदान के दौरान दरभंगा से हिंसा की खबर देखने को मिली। बताया जा रहा है कि दरभंगा एसएसपी के काफिले पर पथराव हुआ। एसएसपी चुनाव को लेकर गश्ती कर रहे थे, इस दौरान असामाजिक तत्वों ने पुलिस के काफिले पर पथराव कर दिया। इस मामले में 12 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। मामला बहेड़ी प्रखंड के हबीडी बस कट्टी गांव की बताई जा रही है। कट्टी गांव का मतदान केंद्र 333 है। यहां पर एक कैंडिडेट विशेष के परिवार के लोग मतदान केंद्र के नज़दीक काफ़ी अपने समर्थकों का जमावड़ा लगाए हुए थे। उसमें से हमारी पुलिस ने 3 लोगों को प्रिवेंटिव गिरफ्तारी के लिए गाड़ी में बिठाया था, और जब पुलिस की गाड़ियां जाने लगी तो पीछे से कुछ लोगों ने पत्थर फेंक दिया, जो 2-3 गाड़ी को पत्थर लगाए। और कोई विशेष बात नहीं हुई है, कुछ लोगों को गिरफ्तारी किया गया है और कुछ लोगों का नाम आया है जिन्होंने पत्थर फेंका है, उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी की जाएगी। इधर शारदीय नवरात्र का आगाज हो चुका है, तो वहीं नालंदा जिले के घोसरावा पंचायत में स्थित मां आशापुरी मंदिर में नवरात्रि में कलश स्थापना की गई है। गौरतलब हो कि यहां पर नवरात्र के पूरे 9 दिनों तक महिलाओं के प्रवेश को वर्जित रखा जाता है। 9 दिनों तक महिलाएं मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं करती हैं। इस पूरे 9 दिनों तक 9 देवियों का पूजन अर्चना की जाती है। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण मगध साम्राज्य में पाल काल में हुआ था। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि हर तरफ अब खास करके नवरात्रि के पर्व को लेकर के कहीं ना कहीं एक तरीके से भक्तों में वो जोश दिख रहा है माता को खुश करने का, और ऐसे में भक्ति भाव से पूजा अर्चना की जा रही है। तस्वीरें पावापुरी नालंदा की है, जहां पर आशापुरी मंदिर घोसरावा में माता की पूजा के लिए एक विशेष तरीके की व्यवस्था की जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ मंदिर के बाहर भक्तों की भारी भीड़ देखने को भी मिलती है, तो दूसरी तरफ वहां दुकानें भी सजती हैं। वहीं माता के पूजा को लेकर के जो महिलाएं हैं उनको प्रवेश वर्जित रखा जाता है। तीन सौ बरस के बाद की था नहीं था ये कोई नहीं जानता है। और उसके बाद महिला तो कलश रखाना अब बंद हो जाता है। महिला एक रोज जतरा रोज यहाँ चढ़ेगा महिला लोग, उसके बाद अपना फिर स्टार्ट हो जाता है। नियम क्या है कि पति पदा से लेकर और विजयादशमी के 10 बजे रात्रि तक औरत और मर्द सबको गर्भगृह में प्रवेश वर्जित है। औरतों का तो इस कैंपस में प्रतिपदा से ही बढ़ी इस दशहरा में इस नवरात्र में। और अब खबरें झारखंड की। जमशेदपुर में 2021 के जनगणना में आदिवासियों के सरना धर्म कोड को मान्यता दिए जाने की मांग को लेकर आदिवासी सेंगेल अभियान के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय के समक्ष धरना दिया, साथ ही राष्ट्रपति के नाम एक मांग पत्र भी सौंपा। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक की पूजा करने वाले 15 करोड़ आदिवासी इस देश के निवासी हैं। प्राकृतिक की पूजा करने वाले तमाम आदिवासी सरना धर्म को मानते हैं और भारतीय संविधान में अभी तक सरना धर्म कोड को लागू नहीं किया गया है, जिस कारण इन्हें मिलने वाली तमाम अधिकारों और वो सुविधाओं से वो पूरी तरीके से वंचित रह रहे हैं। आदिवासी सेंगेल अभियान के बैनर तले आदिवासी सेंगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद सालखान मुर्मू के नेतृत्व में आज 5 राज्य में सरना धर्म की मांग को लेकर के बैठे हैं। तो इसी के तहत आज जमशेदपुर डीसी ऑफिस के समाज पूर्वी सिंहभूम के आदिवासी सेंगेल अभियान की तरफ से हम लोग बैठे हैं। हमारी मांग है कि सरना धर्म जो कॉलम कोड 2021 में अभी जो जनगणना होने वाली है, तो हमारी मांग है कि इसमें सरना धर्म कॉलम कोड प्रदान किया जाए।
इधर जमशेदपुर के गोविंदपुर इलाके में व्याप्त गंदगी को साफ कराने का काम जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया है। इलाके के लगभग 70 अलग अलग स्थानों पर यह अभियान चलाया जाएगा। दरअसल जनप्रतिनिधियों के साथ जिला प्रशासन की बैठक हुई थी और इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र में गंदगी की समस्या से जिला प्रशासन को अवगत करवाया था। इसके बाद प्रशासन ने इस पर संज्ञान लेते हुए इलाके में सफाई का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया था। देखिए, आज टाटा मोटर्स, कमिंग्स हो चाहे लफार्ज हो, नुआको हो, बोलते हैं टाटा पावर, सब लोग के प्रयास से दुर्गा पूजा के समय ये साफ सफाई का अभियान का शुरुआत किया गया है। लेकिन हम लोग तमाम जो कंपनियों के पदाधिकारी आए थे, गोविंदपुर की जनता से हम लोग मांग किए कि गोविंदपुर में साफ सफाई की व्यवस्था नियमित कैसे हो। इधर जमशेदपुर में भारतीय जनतंत्र मोर्चा अनुसूचित जनजाति इकाई द्वारा गोलमुरी स्थित सरना स्थल में अतिक्रमण हटाने की मांग जो है वो धालमूल अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष उठाई गई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जब पूर्ण रूप से धरना स्थल बंद था, उसी वक्त कुछ गैरेज वालों के द्वारा वहां कबाड़ जमा किया गया था, साथ ही वहां झोपड़ी का निर्माण किया गया था। मैदान का काफी हिस्सा फिलहाल उनके कब्जे में है। उनके द्वारा ही सरना स्थल में लोग पूजा पाठ करते हैं, जहां अतिक्रमण करना गलत है और जिला प्रशासन इस अतिक्रमण को अविलंब खाली करवाए। आदिवासी हो समाज गोलमोरी के स्थित सरना स्थल पर कुछ दुकानदारों ने कबाड़ उबाड़ रखकर उस जमीन को अतिक्रमण कर लिया। आने वाली कल महापर्व माघे पर्व होगा तो टकराव की स्थिति पैदा होगी। को ध्यान में रखते हुए हमारे भारतीय जनतंत्र मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के बैनर तले आज अनुमंडल अधिकारी को एक ज्ञापन दिया गया कि अतिक्रमण खाली किया जाए और आदिवासी जो धार्मिक सरना स्थल है उसे अतिक्रमण से मुक्त किया जाए। तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए डीटीवी भारत। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।